Here in the 17th part, it says if x is equal to a cos t plus t sin t, is there और y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a sin t दिया हुआ है और साथ में हमें दिया हुआ है t cos t. Then they are saying find the double derivative. तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. और डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकलेगा आपका, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी टी. और डी एक्स का डी एक्स के लिए क्या निकालोगे, डी एक्स बाय डी टी निकालोगे. सो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आता है, डी वाई बाय डी एक्स. वाई इन दिस केस, बिकॉज एक्स इज डिपेंडेंट ऑन टी क्वान्टिटी और वाई भी हमारा टी क्वान्टिटी पर डिपेंडेंट है. तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, ए कॉस टी इज द प्लस टी साइन टी इज द. और हमने क्या करना है, डी एक्स बाय डी टी निकालना है सबसे पहले. तो डी एक्स बाय डी टी कैसे निकलेगा, ए एज इट इज, कॉस टी का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन टी. अब यहाँ पे टी डॉट साइन टी है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल है. तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा यहाँ पे, टी एज इट इज साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, देन प्लस साइन इज देयर, साइन टी एज इट इज आ जाएगा आपका. और टी का डेरिवेटिव लोगे तो वन आ जाएगा यहाँ पे. तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ए इन ब्रैकेट वी हैव एज माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी इज द, और लास्ट में क्या है, प्लस साइन टी इज द. साइन टी से हमारा साइन टी गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ए टी कॉस टी वुड बी द. अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, वाई को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ए एज इट इज साइन टी का क्या आएगा आपका, कॉस टी, देन माइनस का साइन एज इट इज, टी कॉस टी का करोगे तो टी एज इट इज, कॉस टी का करोगे तो साइन टी वुड बी देयर, और माइनस का साइन आ जाएगा प्लस साइन होगा. फिर उसके बाद हमारा टी का डेरिवेटिव विच इज वन और कॉस टू कॉस टी एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कैंसिल होती है, ए एज इट इज कॉस टी इज देयर, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी बन जाएगा हमारा, देन वी हैव इज माइनस कॉस टी. कॉस टी से कॉस टी क्या, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए टी साइन टी वुड बी देयर. अब हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से हम डिवाइड कर देंगे. सो वी हैव एस ए टी साइन टी, ए टी कॉस टी, और ए टी से ए टी हमारा कैंसिल, साइन टी ओवर कॉस टी क्या हो जाता है, टैन टी. डी वाई बाई डी एक्स इज टैन टी. अब हमें इसका एक और बार डेरिवेटिव लेना है डी वाई बाई डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर. टैन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर टी. और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, यू विल राइट एज डी टी को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे, क्योंकि टी का निकालना था ना, तो टी टी बाय डी एक्स हो जाएगा. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास डी टी बाय डी एक्स की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन येस डी एक्स बाय डी टी तो है ना. वट इज दिस, दिस इज ए टी कॉस टी. तो अगर डी एक्स बाय डी टी आपका ए टी कॉस टी है, इफ इट इज ए टी कॉस टी, तो हमारे पास डी टी बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, इट वुड बी वन बाय रेसिप्रोकल लोगे, ए टी कॉस टी वुड बी द. सो वी हैव ए सीकेंट स्क्वायर टी. और डी टी बाई डी एक्स को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए टी कॉस टी वुड बी द. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कर सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज वन बाय कॉस स्क्वायर टी. तो हमारे पास डी स्क्वायर बाय डी बाय डी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, वन बाय ए टी, then we have is cos squared cos cube t would be there. ठीक है, तो cos cube t हो गया क्योंकि हमारा secant square t था. secant square t को कैसे लिख सकते हो, one by cos square t. तो वो cos t और cos t multiply होगा तो क्या बन गया, cos cube